हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के हो रहे हैं अभी 11:15, और मौसम की बात करें तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बाकी कल रात से ही मौसम तो ख़राब है, बूंदाबांदी हो ही रही है कल रात से। अभी थोड़ा बहुत साफ हो गया है, थोड़े बहुत बादल ही है। और आज है हमारे गांव में मेला। मेरी सासू माँ, पुप्पू और मैं, हम तीनों जाएंगे मंदिर। पुप्पू मेरी 2.5 साल की बेटी है। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। हम हो गए हैं रेडी, अब निकल रहे हैं मंदिर की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं नीचे मंदिर, जो महेश्वर जी का मंदिर है, जिसको मुल्डुंग संतंग बोला जाता है। अभी हमने जाना है ऊपर नाग के मंदिर में, जो है गांव के टॉप पर। तो हम पहुंच गए हैं अभी मंदिर, और जो उछंग आ गए हैं फूल लाने के लिए जेंट्स, वो अभी पहुंचे नहीं है, और नागस जी को भी अभी नहीं निकाला है बाहर। अंकल जी, हमें शनिचंग मेले के बारे में बताएंगे। बस शनिचंग हमारा जो पर्व बना है ना, महेश्वर जी आते हैं यहाँ से, नागस एक दिन एडवांस में जंगल में रहते हैं ऊपर, जंगल के अंदर शिव शंकर के अंदर ना, एडवांस में वहीं रहते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ से। शाम को टेंपा गांव वाले सब जाते हैं यहाँ से ऊपर, अपने अपने घर घर से वो करके वहाँ फूल उठाने के लिए, फिर उठा के वहाँ पूजो दिन जाते हैं। शाम को गेमे जाते हैं यहाँ से ऊपर, गेमे वहाँ रहे हैं, गेमे जाते हैं, गेमे वहाँ शाम को वहाँ ठहरते हैं। शाम को सारे भूखे सो जाते हैं आग जला के द्वार में, फिर उसके बाद सुबह निकल जाता है वहाँ से ऊपर को। सुबह सुनना हो क्या बोल रहा है ना, सुबह निकलता है वहाँ से, निकल के फिर गिनती करते हैं जितने भी जाते हैं पब्लिक के, जो एम्पा वाले जितने भी पैसे जाते हैं ना, वो वहाँ गिनती करते हैं। जो एक दो करके समारोह हो जाता है, समारोह के पहले कक्का होता है, कलावा वाले भी जाते थे वहाँ पे, इस साइड से परे से लासा से होते हुए कलावा, कलावा वाले, तो कलावा वाले का वो जैमे आकर उससे सब गिनती करते आगे निकल जाते हैं सुबह ना। फिर गिनती करने के बाद फिर पत्थर फेंकते, इकलावा वाले आते थे वहाँ से, इकलावा आपस में हो गए, उनको एक को पत्थर से लग गए, उसके बाद इकलावा वाले ने बंद कर दिया जंगल में जाने के लिए। जंगल बोले तो ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल आने के लिए बंद कर दिया। फिर वहाँ से जाते हैं ऊपर को, फिर सुबह सुबह मूंद होते हैं, सात किस्म का फूल उठाते हैं, फिर सब चले जाते हैं। और फिर वहाँ एक मर्द अपना वो रोटी लेके, साथ रोटी लेके पूजो लिंग लगाते हैं, पूजो लिंग एक हाथ से दाएं हाथ से ऊपर, वो जिसका माँ बाप हो वही लगाएगा पूजो लिंग। फिर वहाँ से जाते हैं फिर आगे को, फिर वहाँ रोटी और घी खाते हैं पूजो लिंग लगाने के बाद। फिर वहाँ से आगे जाएंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चे पगू उठाएंगे, सभी पगू बोलते हैं, फूल फूल उठाने के बाद सारे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फूल उठा के काशियों दिन पहुंचाते हैं। काशियों दिन पहुंचने के बाद वहां से जो पगू वाले नीचे आ जाते हैं, काशियों दिन अपना वो काशियों दिन वहां से नीचे को आके वो आ जाते हैं बलसिपा, और बड़े बड़े छोकरे वाले उधर को जाते हैं मर्द जंगल उठाने के लिए, किशोर नागा ब्रह्म कमल उठाने के लिए वहाँ जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं सारे लाइन होते त्याग से नीचे होते चुरमों होते बलसिपा पहुँच जाते हैं। बलसिपा में अपने सारा स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपना फूल देवी देवताओं के लिए फूल, अपने लिए फूल बनाते हैं। फिर वहाँ से अपना वो रोटी राटी खाने के बाद फिर आ जाते हैं, यहाँ से फिर जाता है भागवत नागस का, भागवत जाता है वहाँ से बजाने के लिए ऊपर, क्या बोलते हैं राजा ओवल्डिंग के पास, ऊपर से वो आ जाते हैं खा पी के, फिर वहाँ से आ जाते हैं यहाँ जोड़ेंगे, जलेंगे में फिर कपड़े चेंज कर देते हैं सामने, फिर कपड़े चेंज करने के बाद अपना उसको यहाँ करके फिर नाच नूच के फिर यहाँ मंदिर से मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर नाम देते के प्रांगण में आ जाते हैं, फिर यहाँ से कार्यक्रम कार्यक्रम है ना।
भागे फिर वहाँ पे पहुँचा पहनाते हैं, फिर देवता अपना वो जो ऊपर से जो वो करवाता है, निवारण करता है, निवारण से फिर नीचे जाता है, महेश्वर जी के साथ वो करते हैं, महेश्वर जी भी साथ नीचे मोलदम संतन के पास और महेश्वर जी बाहर निकलते हैं, महेश्वर जी भी आना अपना कार्यक्रम जो करते हैं उसको निवारण करते हैं, फिर हो जाता है काम प्रोग्राम, ठीक है ना। ये हमारा सुनेचंक मेले का मेला का वो है इससे है ना इतिहास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
chumale bili ma abu koli moyale abu dusho mash bili mayale dusho chumale bili ma अब ऊपर मंदिर से जा रहे हैं वापस नीचे मंदिर मुल्डुंग संतंग में और मिलते हैं वहीं पे। Thank you.
Thank you.
हे एवरीवन, तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा यंग पर्सन एचंग और जहाँ से फूल लाते हैं, मैंने वहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो लगाया हुआ है, पर मैंने वो वीडियो किसी और से लिया है क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ें नहीं जाती है। तो जिन्होंने मुझे ये वीडियो दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यंग पर्सन एचंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।